जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़े गुरबत की जो का जो डिवीज़न है उसको जिम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की। ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान की 38% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का शिकार है। एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। ये वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के विजन के मुताबिक इसको बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पज़ीराई मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा इकदामात हैं जो कि 34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तख़फ़ीफ़े गुरबत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफालत, ये इसके जरिए 70 लाख खानदानों को महाना वजीफे और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है। एहसास बिला सूद कर्जा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अजला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्जे दिए गए जिसमें से 45% खवातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन जिलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब खानदानों को 60% खवातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% खवातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदौ और मेहनत के बाद इसका इजरा वजीर आजम ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वजीर आजम ने एक सीटी स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है ना उनकी जो जहनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वजीर आजम ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और खानदान इससे मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मजदूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को 0 खर्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का कयाम हो गया है और इंशाल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वजीर आजम की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मजदूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके लिए 100 से ज्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वजीर आजम की खास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेजी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफा मिली है और इंशाल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिक का मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारज़े वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफा मजदूर के एहसास के तहत भी पहली दफा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेजी से जारी है। एहसास के
के तहत दो प्रोग्राम वो अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ, मगर उन पे काम बहुत तेजी से पिछले एक साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफे का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम अजला में ये बच्चों के वजीफे का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ्फुज का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी खर्चा आ जाए, जो अंग्रेजी में जिसे कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक्वामी पजीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मजदूर, बेघर, बेरोजगार, जरूरतमंद तालिब इल्म, जरूरतमंद माओं, जरूरतमंद बच्चों के और जरूरतमंद बीमारों के लिए है, इनके लिए हंगामी तौर पे इंतजामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ, उसके एक हफ्ते बाद मिनिस्ट्री बनी, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया, लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए, मुशावरती कमेटियां बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए, जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज तौर पर समाजी तहफ्फुज के वजीफे लेते थे। इसके अलावा पिछले एक साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेजी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके जरिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं, जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मुल्क के आधे खानदानों को हम 12,000 रुपए मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की खास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पर हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफर अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाल्लाह अगले साल में इस पर और तेजी से काम हुआ होगा, क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुरबत की शरह में ज्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेजी से काम होगा, प्रोग्रामों को वसत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाल्लाह साल तक उसको हम खत्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बगैर और उनकी सपोर्ट के बगैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया।